हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, पिछले दिनों मैंने एक एसबीआई में आरटीआई फाइल की थी, एसबीआई मुंबई में, क्योंकि आप लोगों के सवाल थे एसबीआई क्लर्क वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड और ज्वाइनिंग से रिलेटेड, और साथ में एसबीआई में ऑफिसर की पोस्ट से रिलेटेड भी सवाल थे, तो मैंने एक आरटीआई डाली। मैं आपको पहले बता दूं कि ये आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है, और ये जो आरटीआई है इसमें मैंने क्वेश्चंस क्या क्या पूछे थे मैं आपको पहले बताना चाहूंगा, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। आप लोगों के जो बेसिक डाउट हैं वो इस पूरे वीडियो में मैंने शामिल किए हैं। तो देखो दोस्तों, जो मेरा सबसे पहला सवाल था वो यही था कि कितने कैंडिडेट को ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए पहली वेटिंग लिस्ट में बुलाया गया था सारे स्टेट से, ऑल ओवर इंडिया। और इसमें मैंने दूसरा इनसे सवाल पूछा था कि कितने कैंडिडेट जो है वो सेलेक्ट हुए हैं वेटिंग लिस्ट वन में हर एक स्टेट से। ओके, तो देखो यहाँ पर इन्होंने कंबाइंड मुझे इन्फॉर्मेशन दी, लगभग 2000 लोगों का पहली वेट लिस्ट में सिलेक्शन हो चुका है। और एक सवाल मैंने इनसे ये पूछा था कि एसबीआई की जो वेटिंग लिस्ट है सेकंड और थर्ड, ये कब तक आने की संभावना है या फिर ये एसबीआई कब रिलीज करेगा। फिर एक मेरा क्वेश्चन इनसे ये था कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि एसबीआई का जो 2019 वाला रिक्रूटमेंट है उसमें जो भी नॉन ज्वाइंट कैंडिडेट्स की जो वैकेंसीज हैं, क्या उनको इस करंट 20 वाले रिक्रूटमेंट में शिफ्ट कर दिया जाएगा, ये जानकारी मैंने उनसे मांगी थी। और एक मेरा ये सवाल था कि क्या आप नंबर ऑफ ये बता सकते हैं कि कितने ऑफिसर्स की पोजीशन अभी राइट नाउ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाली है ऑल ओवर द इंडिया, दैट इज डेटा एज ऑन 31st of March 2020। मतलब पूरे भारत में कितने ऑफिसर जो है वो रिटायर्ड हो चुके हैं, इतनी पोजीशन वैकेंट है 31 मार्च 2020 को, तभी तो नई रिक्रूटमेंट होगी। तो मैंने ये इनसे 5-6 सवाल पूछे थे। जो सवाल नंबर ये कंबाइंड वाला है, पहला दूसरा, तो इसमें इन्होंने बताया है कि लगभग हमने 2000 लोगों को ज्वाइन कराया। मैं आपको ये इनका रिप्लाई दिखा देता हूँ, 2094 लोग जो है, तो आप ये मान के चलें कि जो ए और बी, इसमें 2094 लोगों को पहली वेटिंग लिस्ट में ज्वाइन कराया गया है। ओके, अभी तक इन लोगों की ज्वाइनिंग नहीं आई क्योंकि इनको 1 अप्रैल को ज्वाइन करना था, लेकिन आपने देखा कोविड-19 के कारण ये वाली ज्वाइनिंग जो है वो पोस्टपोन हो चुकी है, इनका सारा प्रोसेस हो चुका है। ठीक है, कहीं कहीं पर कुछ स्क्रीनिंग बची है, मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट जो है प्रोसेस हो चुका है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये बंदे जब ज्वाइन करेंगे, इसमें से ऐसा भी हो सकता है कि कई सारे ऐसे कैंडिडेट हो जो कि आईबीपीएस 9 को ज्वाइन कर लें, उनका अगर पीओ में हो गया होगा तो क्लेरिकल पोस्ट वो छोड़ देंगे और वो पीओ में ज्वाइन कर लेंगे। तो यहां पर भी 2094 में से भी कुछ पोस्ट वैकेंट बचेंगी। ठीक है, तो आप ये मान के चलेंगे दोस्तों, अगर सेकेंड और थर्ड जो वेट लिस्ट आएगी, इन्होंने डेट में यही बताया कि डेट अभी हमने फाइनलाइज नहीं की है, डेट नॉट फाइनलाइज की, ये कब आएगी सेकंड और थर्ड। लेकिन जब भी सेकंड और थर्ड को अगर ये जारी करेंगे तो इसमें ऐसे लोग जो नॉन ज्वाइंट हैं वेटिंग लिस्ट बनके, उनको भी यहां पर शामिल किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्क्रीनिंग के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, जैसा अभी आपने देखा कि पहली वेटिंग लिस्ट में ही लगभग 2000 के आसपास में लोगों को सेलेक्ट किया गया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सेकेंड और थर्ड दोनों में मिलाकर कहीं ना कहीं पर लगभग 2500-3000 लोग जो है वो और दोस्तों देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, और ये वाला जो मैंने सवाल पूछा था कि क्या जो पुरानी वैकेंसीज हैं क्या उनको इस नए रिक्रूटमेंट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी आप देख लो कि अभी इसका मेंस का एग्जाम होना बाकी है, बहुत जल्दी इसका रिजल्ट भी आ जाएगा, ये प्रोसेस भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो इनका यही रिप्लाई आया कि सी वाले पॉइंट पर, कि अभी इसके ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आरटीआई के अंतर्गत नहीं आती, ये हमारी इंटरनल जो है इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रख लें जो ये शिफ्टिंग वाली बात है। और जो मैंने इनसे एक सवाल पूछा था लास्ट में, ई वाला, कि क्या आप ऑफिसर्स नंबर ऑफ ऑफिसर की इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं कितने लोग जो है अभी तक 31 मार्च 2020 तक रिटायर हो चुके हैं या फिर पोजीशन वैकेंट है, तो इसकी जानकारी मुझे थोड़े दिनों में मिल जाएगी। अभी ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कैडर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के पास भेज दी गई है, और मुझे लग रहा है कि विद इन 7 days to 10 days में ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो दे दी जाएगी। अभी ऐसा होता है कि आप जब कभी भी आरटीआई डालते हैं तो जो चीज़ आपने पूछी है अगर उसमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो उस दायरे में नहीं आती, मैंने यहाँ पर देखो इस क्लॉज में मैंने एक पॉइंट मेंशन किया था, तो ध्यान रखना कभी भी आरटीआई लिखना तो इस केस में ये वाला पॉइंट जरूर ऐड करना। इसमें मैंने लिखा, इन केस द इन्फॉर्मेशन इज हेल्ड बाय और रिलेटेड टू अनदर पब्लिक अथॉरिटी, द एप्लीकेशन और सर्च पार्ट ऑफ इट मे बी अप्रोप्रिएट मे बी ट्रांसफर टू दैट अदर पब्लिक अथॉरिटी अंडर इंटीमेशन
टू द अंडरसाइंड एज पर सेक्शन 6(3) ऑफ द आरटीआई एक्ट। ठीक है, तो इस एक्ट के अंतर्गत ये जो एसबीआई है ये उस कंसर्न्ड अथॉरिटी को मेरा जो लेटर है वो भेज सकता है, इसके लिए मुझे अलग से पे आउट करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, वैसे 10 रुपए जाते हैं आरटीआई को फाइल करने में। तो अभी इन्होंने जो ये लास्ट वाला सवाल है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन जो लास्ट वाली है वो कैडर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से मिलेगी कि कितने अभी तक हमारे यहाँ पर खाली पद पड़े हुए हैं ऑफिसर के। देखो दोस्तों, इस सवाल को पूछने का मेरा आशय यही था जिससे हमें क्लियर थोड़ा ये पता चल जाए कि एसबीआई पीओ में अभी कितने पद खाली हैं। अगर 2020 में रिक्रूटमेंट आता है तो वहां पर कितने लोगों को जो है लिया जाएगा, क्या नंबर ऑफ वैकेंसीज हो सकती हैं, क्योंकि ये जो नई वैकेंसी हैं ये कंप्लीटली डिपेंड करेंगी नंबर ऑफ रिटायरमेंट के ऊपर। जितने भी ज्यादा रिटायरमेंट होंगे उसके बाद ये नया रिक्रूटमेंट आपका एसबीआई पीओ का भरा जाएगा। तो यहां से ये चीज बहुत ज्यादा क्लियर है कि हमें नंबर ऑफ जो पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ रिटायरमेंट हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो इन्होंने मेरी एक नई आरटीआई वो खुद लगा दी है, मैं आपको बता दूं कि ये देख सकते हो आप 00708 थी। ठीक है, तो इन्होंने एक नई आरटीआई जो है वो अभी लगा दी है, आपको मैं यहाँ पर ये दिखा दे रहा हूँ। हाँ, ये एसबीआई कॉर्पोरेट सेंटर रिक्वेस्ट फाइल्ड विद दिस वन। ओके, और इसमें इन्होंने कहा है कि द एप्लीकेशन इज ट्रांसफर्ड अंडर सेक्शन 6(3) ऑफ द आरटीआई एक्ट। तो इसके केस में जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे आने वाले दिनों में मिल जाएगी, और ये रिक्वेस्ट भी रिसीव हो चुकी है कंसर्न डिपार्टमेंट को 19/6 को। तो मुझे लग रहा है कि विदिन 7-10 डेज में ये वाली इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तो हमें इतना पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ पर्सन है जो कि ऑफिसर्स की पोजिशन में है, जो बैकेंड पोजिशन है ऑल ओवर द इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो ये काफ़ी ट्विस्ट होने वाला है, इससे थोड़ा हमें आइडिया जरूर चलेगा और हम आपको पूरा अपडेट देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब तो अभी कर लेना और जुड़े रहना। और हाँ, एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि आप लोग एसबीआई पीओ के बारे में तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ आप अपने माइंड में दोस्तों सेट करके रख लें कि कहीं ना कहीं पर इस एग्जामिनेशन की तैयारी आपको पहले से करनी होगी। और एसबीआई के लिए एक ऑलिव बोर्ड ने 99 रुपीज़ में दोस्तों एक मॉक ड्रिल स्टार्ट किया हुआ है, एक टाइप से ये प्री ड्रिल है। ओके, मतलब एग्जामिनेशन से पहले की कहानी। तो 99 रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग डील, इसमें ये आपको लगभग नियर अबाउट 30 मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, ठीक है, एक महीने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि इस डिटेल्स को आपको देखना चाहिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक डिटेल दे दूंगा। जितने भी लोग एसबीआई पीओ के बारे में सोच रहे हैं या फिर वाम बनना चाहते हैं या फिर तैयारी करना चाहते हैं, तो मुझे लग रहा है कि आपको 99 रुपीज़ तो लगा देना चाहिए, और इससे आपको एक मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। और एक चीज़ और बता दें कि अगर आप प्री वाले मॉक टेस्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाते, एक्चुअली ये सिस्टम है इनका कि ये प्री ड्रिल में एक मॉक टेस्ट कराएंगे प्री का, जो प्री क्वालिफाई कर लेगा फिर मेंस कराएंगे, मेंस के बाद आपकी इंटरव्यू स्क्रीनिंग कराएंगे। तो इससे आपको पूरा पता चलेगा कि एसबीआई में क्या क्या रास्ते हैं, किस तरीके से पूरी रिक्रूटमेंट जर्नी स्टार्ट होती है। और उसी 99 रुपीज़ में कॉम्प्लीमेंट्री आपको 30 मॉक टेस्ट देना है, जिसमें ये 20 आपको प्री के देंगे प्रीवियस ईयर बेस पेपर के हिसाब से, और 10 मॉक टेस्ट मेंस वाले देंगे। तो मुझे लग रहा है दोस्तों ये आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर फायदा आपको जरूर देखने को मिलेगा। और जो एनालिसिस की बात है, थोड़ा रुक जाइए, मैं आपको बहुत सारे एनालिसिस कराने वाला हूँ। मुझे पता है कि पिछले 10-12 दिनों से क्वांट की वीडियोस नहीं ज़्यादा आ पा रही हैं, लेकिन बिलीव मी गाइस, एग्जामिनेशन एक बार अनाउंस हो उसके बाद हम फुल एनर्जी से आपके साथ आते हैं, और जो भी क्वांट के बड़े क्वेश्चंस हैं, चाहे वो मेंस के हों चाहे वो प्री के हों, आपको इस चैनल पर रीजनिंग में भी देखने को मिलेंगे और आपको क्वांट में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे। आप अपना ध्यान जरूर रखें और बने रहें हमारे साथ, जो अगला अपडेट है वो आपको बहुत जल्द यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ओके।